मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के इन अधिकारियों को किए तबादले, अभी अभी आदेश किया जारी। तो स्वागत है आपका एमपी न्यूज लाइव में और मैं हूँ आपका होस्ट दोस्त कुलदीप पांडे। दर्शकों, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में तबादलों का सिलसिला जारी है। दरअसल मध्य प्रदेश शासन के वन विभाग मंत्रालय द्वारा भारतीय वन सेवा के अधिकारियों का नवीन पदस्थापना सौंपी गई है। इसके लिए सूची भी जारी कर दी गई है। नवीन जानकारी के मुताबिक अधिकारियों के ट्रांसफर आदेश जारी किए गए हैं। जिन अधिकारियों को नवीन पदस्थापना सौंपी गई है उनमें एन यू चान को अपर प्रमुख मुख्य वन संरक्षण के कार्य योजना मुख्यालय भोपाल पदस्थ किया गया है। इसके अलावा 1989 बैच के आलोक दास को अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षण कार्यालय, प्रधान मुख्य वन संरक्षण एवं वन बल प्रमुख में पदस्थापना की गई है। इसके साथ ही 1988 बैच के अधिकारी पी के सिंह की सेवाएं अपर प्रमुख प्रधान मुख्य वन संरक्षण से बदलकर मध्य प्रदेश राज्य लघु वनोपज संघ भोपाल में की गई है। इसी के साथ विश्राम सागर शर्मा को अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षण पदेन वन संरक्षक ग्वालियर वृत्त में पदस्थापना की गई है। इसके साथ ही शुभ रंजन सेन को अपर प्रमुख प्रधान मुख्य वन संरक्षण वन्य प्रणाली मुख्यालय भोपाल में नई पदस्थापना सौंपी गई है। इसके अलावा शिव सिंह उदय को मुख्य वन संरक्षण सिवनी वृत्त में पदस्थापना की गई है। शशि मलिक को अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षण मानव संसाधन विकास मुख्यालय में पदस्थापना किया गया है। विभास कुमार को अपर वन मुख्य वन संरक्षण को प्रतिनियुक्त देकर मध्य प्रदेश राज्य लघु वनोपज संघ भोपाल में पदस्थापना की गई है।